दोस्तों, कोई व्यक्ति या संस्थान जितना बड़ा होता है यानी कि वो जितना चमकदार होता है, उससे जुड़ी हुई भ्रांतियां यानी कि मिथ्स भी उतनी ज्यादा होती हैं। तो यूपीएससी भी इससे अछूता नहीं है। अब जब आपने यूपीएससी को पाना अपना लक्ष्य बना ही लिया है, तो जरूरी है कि आप उससे जुड़ी हुई किसी भी मिथ्स का शिकार ना हो। तो इस वजह से आज के वीडियो में हम यूपीएससी और सिविल सर्विसेज से जुड़ी कुछ भ्रांतियों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। मैं हूँ आपके साथ ऐश्वर्या। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें। तो मिथ नंबर वन इज यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षा है और इसे पास करने के लिए 15 से 16 घंटों की पढ़ाई करना आवश्यक है। तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। यूपीएससी एक कठिन परीक्षा जरूर है, मगर अभी तक परीक्षा की कठिनता को मापने का पैमाना बना नहीं है, इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि ये देश की सबसे कठिन परीक्षा है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कैट देश की सबसे कठिन परीक्षा है, और अगर आप एक आईआईटी एस्पिरेंट से बात करेंगे तो वो ये कहेगा कि आईआईटी की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षा है। तो इसी प्रकार ये कहना कि ये एग्जाम पास करने के लिए हर दिन 15 से 16 घंटों की पढ़ाई करना आवश्यक है, ये भी पूरी तरह से सच नहीं है। सच ये है कि आपको इसका सिलेबस ऑफ कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, और ये आप कितने समय में कर सकते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। तो कुछ लोग दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़कर भी उस सिलेबस को पूरा कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स जरूरत होती है स्मार्ट वर्क करने की। नेक्स्ट मिथ नंबर टू इज यूपीएससी को पास करने के लिए आपका एकेडमिक बैकग्राउंड एक्सीलेंट होना चाहिए और आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह की जो भ्रांति है वो अक्सर हमारे आसपास के लोग ही बढ़ा देते हैं। तो आपके साथ भी आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा कि आपको किसी रिश्तेदार ने आपसे ऐसे ही कुछ सवाल पूछ लिया हो जिसका आपको जवाब नहीं पता हो, और फिर वो आपसे कहेगा कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको इतना भी नहीं पता। तो दरअसल ये उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है जिसमें वो आपको भी घसीटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको सब कुछ ही मालूम होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो यूपीएससी में क्वालिफाई करने वाले छात्र प्रीलिम्स में सारे सवाल हल कर लेते। मगर आपने कभी सुना है कि प्रीलिम्स में किसी ने 400 में से 400 अंक प्राप्त किए हों? इसी प्रकार एकेडमिक बैकग्राउंड भी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि ऑफ कोर्स एक अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड ये दिखाता है कि आप अपनी पढ़ाई और जीवन को लेकर काफी सीरियस हैं, मगर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अगर एकेडमिक बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है तो आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते। खुद यूपीएससी भी ऐसा नहीं मानती है, तभी तो उसने मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में सिर्फ ग्रेजुएशन को निर्धारित किया है। तो मिथ नंबर थ्री इज कि कोचिंग के बिना आईएएस बनना संभव नहीं है, और इसके लिए ढेर सारी किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं। तो हमारे सामने ऐसी कई कहानियां मौजूद हैं जहां कोचिंग को छोड़िए मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भी लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। तो कोचिंग से आपको ऑफ कोर्स गाइडेंस जरूर मिल जाती है और आपको अपनी गलतियां पता चल जाती हैं और तैयारी का स्तर भी पता चलता रहता है, मगर ये काम आप खुद भी कर सकते हो। और अगर आप पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी का आकलन करोगे तो ये पॉसिबल है। और आजकल गाइडेंस तो आपके पास इंटरनेट के माध्यम से हर समय उपलब्ध है। जहां तक ढेर सारी किताबें पढ़ने की बात है तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो आपको एक ही बात कहेगा या कहेगी कि एक किताब को बार बार पढ़ो और जहां तक हो सके एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो कर। तो मिथ नंबर फोर इज कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के छात्र ही यूपीएससी में सफल हो सकते हैं। तो ये बात पूरी तरह से बेबुनियाद है। अगर आप यूपीएससी के पिछले 20 इयर्स यानी कि 20 वर्षों के आंकड़ों को उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बीते वर्षों में अन्य भारतीय भाषाओं से आने वाले छात्र भी काफी संख्या में इस एग्जाम को क्रैक करने में सफल हुए हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की संख्या क्वालिफाई करने वाले छात्रों में सबसे ज्यादा होती है, मगर इसका कारण ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम की ओर बढ़ती जा रही है और ज्यादातर छात्र इसी मीडियम से फॉर्म भी भरते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अपना सारा ध्यान अपनी तैयारी पर केंद्रित करें और इन भ्रांतियां जो आप सुनने को आपको मिलती हैं उन पर बिल्कुल ध्यान ना दें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिए, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशंस हैं, तो उसे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।